हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ड्रग स्टोर बिजनेस मैनेजमेंट में सेल्स प्रमोशंस क्या होती है। तो सेल्स प्रमोशन क्या होती है, हमें पता होना चाहिए सेल्स क्या होती है। सेलिंग जो होती है इज द हार्ट ऑफ मार्केटिंग। सेलिंग इज द हार्ट ऑफ मार्केटिंग। सेलिंग इज द हार्ट ऑफ मार्केटिंग। जो भी कोई हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला मार्केटिंग होता है। जिस कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सेलिंग होता है उसका मेन पर्पज। अगर हम कुछ चीज सेल करेंगे तभी तो उसको प्रोडक्ट बिकेगा और हमारा बेनिफिट प्रॉफिट होगा। तो सेलिंग क्या है, इज द हार्ट ऑफ मार्केटिंग। जब भी क्या करते हैं, हम किसी भी सेल्स को बनाते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को बेचना हो तो हम सेल्स करते हैं। नेसेसरी हो जाता है ये कि उस चीज के बारे में डिमांड करवाना पब्लिक से। क्या करना, टू सेल्स डिमांड, टू नेसेसरी टू क्रिएट डिमांड्स ऑफ सेल्स। उस सेल के बारे में डिमांड करवाना। तो वो कैसे होगा, अगर जब हम अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करेंगे, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे। तो सेल्स प्रमोशन क्या करती है, सेल्स प्रमोशन के अंदर बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो यूज की जाती है, टू सेल द प्रोडक्ट। ऐसे प्रोडक्ट को सेल करने के लिए जो यूज की जाती है। तो सेल्स प्रमोशन की डेफिनेशन क्या हुई, इज एनी एक्टिविटी। सेल्स प्रमोशन इज एनी एक्टिविटी डिजाइन टू बूस्ट द सेल्स ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस। सेल्स प्रमोशन इज एन एक्टिविटी डिजाइन टू बूस्ट द प्रोडक्ट और सर्विसेज। बूस्ट द सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज। और ये है क्या, सेल प्रमोशन। सेल प्रमोशन इज एन एक्टिविटी डिजाइन टू बूस्ट द सेल्स ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विसेज। जो प्रोडक्ट और सर्विसेज की सेल्स को बढ़ा दे, बूस्ट अप कर दे, दैट इज द सेल्स प्रमोशन। उसके बाद सेल्स प्रमोशन क्या होती है, सेल्स प्रमोशन इनिशिएटिव स्टेप होता है किसी भी चीज का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। किसी भी प्रोडक्ट का बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, सेल्स प्रमोशन करनी पड़ती है। क्या वो उससे क्या होता है कि जो कस्टमर्स हैं वो क्या होंगे, ज्यादा अट्रैक्ट हो पाएंगे। एंड अगर सेल्स ज्यादा होगी तो कस्टमर भी ज्यादा अट्रैक्ट हो पाएंगे और फिर हमारा बिजनेस बढ़िया चलेगा। देन सेल्स प्रमोशन में क्या होता है, डिफरेंट कम्युनिकेशन एक्टिविटीज होती है कि हम वर्बली किसी को कितना हाइप कर सकते हैं कि वो हमारे प्रोडक्ट को खरीदे। एंड अटेम्प्ट कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशनल कस्टमर्स को एंड इमीडिएट सेल्स के बारे में बता कर उनको। देन मेन पर्पज क्या होता है सेल्स प्रमोशन का, कि वो क्या कर सकता है, एक्सीलरेट कर सकता है सेल्स को एंड हमारे प्रोडक्ट को बेचने में हेल्प करता है। जो स्पेशल सेलिंग एफर्ट्स लगाकर हम क्या कर सकते हैं, अपने सेल्स को बढ़ा सकते हैं। गुड सेल प्रमोशन अगर होती है तो वो क्या करती है, कस्टमर की डिससेटिस्फेक्शन को रिमूव कर देती है। अगर कोई कस्टमर हमारे प्रोडक्ट से डिससेटिस्फाई नहीं है तो हम उसकी डिससेटिस्फेक्शन को दूर कर सकते हैं बाय सेल्स प्रमोशन। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है सेल्स प्रमोशन के, नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेल्स प्रमोशन। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है सेल्स प्रमोशन के, टू इंक्रीज द बाइंग रिस्पॉन्स एट द कस्टमर लेवल। कस्टमर के लेवल पर उसमें बाइंग रिस्पॉन्स को इंक्रीज करना, दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्स प्रमोशन। हमारे न्यू प्रोडक्ट को या फिर न्यू सर्विसेज को इंट्रोड्यूस करवाना मार्केट के अंदर एंड टू अट्रैक्ट न्यू कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना। अगर हम सेल्स निकालते हैं हमारे प्रोडक्ट की तो क्या होंगे, न्यू कस्टमर्स आएंगे, न्यू कस्टमर जुड़ेंगे हमारे प्रोडक्ट के साथ और फिर वो अगर उनको रिजल्ट बढ़िया लगता है तो वो फिर आगे भी जुड़े रहेंगे। देन ब्रांड की इमेज क्रिएट करना, जैसे कि कपड़ों के ब्रांड होते हैं या फिर किसी भी गाड़ी वगैरह का ब्रांड होता है तो उनकी एक अलग इमेज बनी होती है कि हाँ ये चीज इस ब्रांड की है, तो वो ब्रांडेड चीजों की पहचान ही अलग होती है। तो हमें भी अपने ब्रांड की क्या बनानी चाहिए, एक इमेज बनानी पड़ेगी टू क्रिएट ब्रांड इमेज। पीपल को हमारे
बारे में अवेयर करना, टू मेक अवेयर द पीपल अबाउट द न्यू प्रोडक्ट एंड इट्स एडवांटेज, उसके एडवांटेज और उसके हमारे प्रोडक्ट के बारे में क्या कर सकते हैं, हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं एंड उससे क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगा। उसके बाद आता है कस्टमर की डिससेटिस्फेक्शन को रिमूव करना, टू रिमूव कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन। अगर कोई कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है हमारे प्रोडक्ट से तो हम उसको क्या कर सकते हैं, ऐसे कुछ वो ईमेल के थ्रू या फिर कॉलिंग बाय कॉलिंग या फिर टेलीफोन के लिए हम कैसे भी कर सकते करके उनकी डिससेटिस्फेक्शन को रिमूव कर सकते हैं, उनकी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, उनको क्या हो गया है, रेटिंग ले सकते हैं उनसे, देन हम उनकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसको हम रिमूव कर सकते हैं। देन क्या होता है, मेजर शेयर ऑफ द मार्केट को कैप्चर करना, टू कैप्चर द मेजर शेयर ऑफ द मार्केट एंड टू इंक्रीज द सेल्स इन ऑफ सीजन। ऑफ सीजन के अंदर अगर हम अपना सेल्स बढ़ा देंगे तो हमारा क्या होगा, सेल अगर ऐसे ऑफ सीजन चल रहा है तो हम क्या करेंगे, सेल लगा निकाल देंगे तो उससे क्या होगा, जितना भी प्रोडक्ट है वो ज्यादा बिक जाएगा। देन टू स्टॉक द मार्केट प्रोडक्ट एट द मोर लेवल ऑफ ट्रेडर, टू स्टॉक मोर एट द लेवल ऑफ ट्रेडर, स्टॉक रखना ट्रेडर्स के लेवल से पहले। देन टू क्रिएट एडिशनल टोकिंग पॉइंट्स, जो सेल्समैन है, जैसे कोई सेल्समैन जाता है तो वो क्या करता है, उनको लाइन दी जाती है कि आपको ये कहना है आगे जाके एंड कस्टमर फिर वो बनाने हैं आपको, तो क्या कर सकते हैं, हम एडिशनल टोकिंग पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं कि जैसे पहले जो था उसमें एक आधा पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड कर लो तो क्या होगा, कस्टमर ज्यादा सेटिस्फाई हो पाएगा, कस्टमर ज्यादा अट्रैक्ट हो पाएगा। फेवरेबल एटीट्यूड क्रिएट करना टुवर्ड्स द प्रोडक्ट, तो ये थे हमारे मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सेल्स प्रमोशन। नेक्स्ट आता है टेक्निक्स ऑफ सेल्स प्रमोशन, टेक्निक्स हम यूज करते हैं सेल्स प्रमोशन के अंदर। फर्स्ट टेक्निक है फ्री सैंपलिंग, फ्री सैंपल मतलब क्या होता है कि जैसे हमने कोई प्रोडक्ट शुरू किया, हमने कोई बिजनेस शुरू किया तो उससे पहले हमें क्या होना चाहिए कि हम उस प्रोडक्ट को पहले जाके लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करें फ्री, अगर उनको वो प्रोडक्ट अच्छा लगता है, अगर उसका रिजल्ट बढ़िया आता है तो वो कस्टमर्स ऑलरेडी अपने आप ही जुड़ जाएंगे हमारे साथ। तो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना टू अट्रैक्ट पीपल टू ट्राई आउट अ न्यू प्रोडक्ट, एक न्यू प्रोडक्ट के बारे में, न्यू प्रोडक्ट को ट्राई करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं पीपल्स को बाय गिविंग, बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग फ्री सैंपल्स ऑफ आवर प्रोडक्ट। इससे क्या होगा, कुछ बिजनेसमैन क्या करते हैं, सिलेक्टेड जो चीजें होती है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सिलेक्टेड पर्सन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ताकि उनका प्रोडक्ट पॉपुलर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई भी मेडिसिन होती है फ्री सैंपल उनका क्या करते हैं, फिजिशियंस को हम क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं टेक्स्ट बुक्स में स्पेसिमन कॉपीज को, जैसे टेक्स्ट बुक्स के साथ क्या होती है, स्पेसिमन कॉपीज आती है तो उसको हम फ्री में, पहले फ्री में दे देते हैं, देन फिर वो अगर उनको बढ़िया रिजल्ट तो बढ़िया लगती है तो वो फिर वो खरीद लेते हैं। सेकेंड आता है प्रीमियम और बोनस ऑफर, प्रीमियम और बोनस ऑफर कि हमारे प्रोडक्ट में कंज्यूमर्स को ऐसे हम ऑफर देते हैं पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में जो क्या कर सकता है, एनकरेज करता है उनको, एनकरेजिंग एंड रिवॉर्डिंग होता है कस्टमर्स के लिए। तो वो क्या करते हैं, जैसे कि जैसे मग आता है नेस्कैफे की कॉफी के साथ, तो वो क्या है, कस्टमर को लेने के लिए, नेस्कैफे की कॉफी लेने के लिए क्या करता है कस्टमर को, कि उसको उनको अट्रैक्ट करता है कि इसके साथ एक मग फ्री मिल रहा है, तो क्या होता है वो ऑफर में होता है प्रीमियम या फिर बोनस ऑफर ऐसे निकाल दो अपने प्रोडक्ट के साथ, कोई फ्री सैंपल, कोई 50% ऑफ या फिर ऐसा कुछ क्या होता है, ये कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है। देन आता है एक्सचेंज स्कीम के अंदर क्या होता है कि हम जो पुराना प्रोडक्ट है उसको लेके आओ एंड नया प्रोडक्ट लेके जाओ, जैसे कि कोई भी चीज, जैसे ऐसा होता है कि अपने मिक्सर कंडीशनर जो भी होता है उसको पुराने को लेके आओ और नए वाले को ले जाओ ओनली इन 800 रुपीज, यानी कि 800 रुपीज और दो और अपना पुराना जूसर दो एंड उसके साथ अपना नया जूसर ले जाओ। तो ये होता है एक्सचेंज ऑफर कि बदले में आप नया ले जाओ पुराना लाओ और साथ में इतने पैसे में। देन आता है प्राइस ऑफ ऑफर, प्राइस ऑफ ऑफर में क्या होता है कि किसी भी प्रोडक्ट पे थोड़ा सा कम प्राइस दे ऑफ दे दिया, ऑफ मतलब जैसे किसी भी चीज पे हमने 15% छूट दे दी या फिर 12% ऑफ दे दिया, 20% ऑफ दे दिया, तो ये क्या होता है प्राइस ऑफ, उसके प्राइस के ऊपर इतना ऑफ, इतना डिस्काउंट जिसको हम बोलते हैं, ये क्या होता है डिस्काउंट।
ऐसे ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, हमारे प्रोडक्ट की सेल्स को बढ़ा सकते हैं। ये क्या करता है, ऑफ सीजन के अंदर बूस्ट अप करता है लोगों को खरीदने के लिए वो प्रोडक्ट। सो नेक्स्ट आता है हमारे पास कूपन्स। कूपन्स क्या होते हैं कि जैसे हर का प्रोडक्ट के हर बिजनेस के लिए क्या करता है, कोई कोई लोग कूपन बना लेते हैं। कूपन यानी कि इतने कूपन इकट्ठे करो तो आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा। ऐसे ही करके हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे कूपन वाली स्कीम अपना सकते हैं। तो कूपन इकट्ठे करो और ये प्रोडक्ट लेके जाओ, तो ये होता है कूपन। जैसे कि कूपन क्या होते हैं, वो क्या करते हैं कि लोग उनको इकट्ठा करते हैं। जैसे जैसे अगर कूपन लेके आओगे तो क्या होगा, और होता है कूपन की आप ये कूपन लेके आओ और उसपे से हमारे पर, अगर आप हमारे शॉप से कुछ खरीद रहे हो तो आपको 10% का ऑफ मिलेगा। जैसे 15% ऑफ मिलेगा अगर आप लेके आओगे वो कूपन साथ में, तो आपको 5 kg चीनी के ऊपर 15% ऑफ मिलेगा। ऐसे ऑफ चलते हैं। जैसे इजी डे हो गया, इजी डे के अंदर क्या होता है, वहां पे कूपन होते हैं जो न्यूज़पेपर्स वगैरह में आ जाते हैं, तो वो कूपन लेके जाओ साथ में, पैम्पलेट लेके जाओ, तो वो क्या होता है उससे वो ऑफ देते हैं, ऐसे 15% ऑफ। तो हम ऐसे भी कुछ ऑफर्स निकालते हैं कूपन से थ्रू। देन आता है फेयर एंड एग्जीबिशन। अपने प्रोडक्ट के बारे में क्या मतलब, ऐसे फेयर्स के अंदर जाके इसको एग्जीबिशन करना, तो वो भी क्या करता है, इंक्रीज कर देता है सेल्स को एंड अट्रैक्ट करता है वो पब्लिक को कि हमारा प्रोडक्ट खरीदो। जैसे कि इंटरनेशनल फेयर लगता है, ट्रेड फेयर लगता है दिल्ली के अंदर, तो वो क्या करता है, वहां पे क्या होता है कि लोग अपने प्रोडक्ट लेके आते हैं और उनका एग्जीबिशन रखते हैं। देन आता है ट्रेडिंग स्टैम्प, फेयर एंड एग्जीबिशन, देन ट्रेडिंग स्टैम्प। ऐसे क्या होता है कि कुछ प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है, कुछ बिजनेसमैन क्या करते हैं, ऐसे स्टैम्प्स निकाल देते हैं। तो वो स्टैम्प्स का क्या होता है कि उनके परचेजिंग वैल्यूज के अंदर वो उतना ऑफ कर देते हैं। स्टैम्प का मतलब क्या होता है, कस्टमर क्या करते हैं, स्टैम्प्स को कलेक्ट करते हैं एंड उनके ऊपर एक कुछ भी हमने प्रोडक्ट उनको फ्री दे दिया। तो ये होता है ट्रेडिंग स्टैम्प। ऐसे ट्रेडिंग की किसी कोई स्टैम्प ना आई और उस स्टैम्प को अगर लोग इकट्ठा करके लेके आएंगे तो उतने में उनको उतने ही अमाउंट में मुझे गिफ्ट मिलेगा। देन होता है स्क्रैच एंड विन ऑफर। स्क्रैच एंड विन क्या होता है कि किसी ऐसे कोई हमने पैकेट लिया तो उसके ऊपर लिखा होता है कि इसको स्क्रैच करो, उस पर जो नंबर लिखा होगा वो आपको SMS करो, तो वो हम उसमें आपको कुछ गिफ्ट मिलेगा, वाउचर मिलेगा या फिर कुछ भी आपको एक विन प्राइज मिल सकता है। देन आता है मनी बैक ऑफर। मनी बैक ऑफर क्या करता है कि अगर आपको हमारा प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा, अगर आप हमारे प्रोडक्ट से सेटिस्फाई नहीं है तो आप हमारे प्रोडक्ट को वापस कर सकते हैं, हम आपको पूरा का पूरा पैसा वापस दे देंगे। ये होता है मनी बैक ऑफर। बट ये क्या होता है, थोड़ा सा रिस्की होता है क्योंकि अगर कोई कस्टमर ऐसे वापस ले तो हमारे सेल्स में वो डिक्रीमेंट आ जाता है, वो सेल्स का प्रमोशन नहीं हो पाता। देन हमें पता होना, नेक्स्ट हमारे पास आता है सेल्समैनशिप क्या होती है। सेल्समैनशिप जैसे सेल्स प्रमोशन किया हमने, तो वैसे ही वो किसके थ्रू हो सकता है, वो सेल्समैन के थ्रू। सेल्समैन क्या होते हैं, जो सेल का प्रमोशन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सेल्समैनशिप। सेल्समैनशिप क्या होता है, जैसे सेलिंग क्या थी, हार्ट का मार्केटिंग का, तो सेल्समैनशिप होती है विनिंग हार्ट ऑफ कंज्यूमर। सेल्समैन इज द आर्ट ऑफ विनिंग हार्ट ऑफ कंज्यूमर। कस्टमर के हार्ट को जीतना, कस्टमर के दिल को जीतना बाय थ्रू ओनली कन्वर्सेशन। तो कन्वर्सेशन करके हम किसी भी कस्टमर को अगर हम जीत उसका दिल जीत सकते तो वो क्या करेगा, हमारे प्रोडक्ट को बेचेगा कि वो हमारे प्रोडक्ट को खरीदेगा कि ये प्रोडक्ट और सर्विसेज क्या है, बढ़िया है। तो क्या होता है सेल्समैनशिप, सेल्समैन की ये क्या होती है, सेल्समैन की ड्यूटी होती है कि वो कैसे हमारे कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर सकता है थ्रू वर्बली।
देन सेल्समैन क्या होती है, इज द आर्ट ऑफ सेलिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, प्रोडक्ट और सर्विसेज को सेल करना, वो भी क्या है, सेल्समैनशिप है। देन आता है कस्टमर्स को कन्विंस करना कि हमारे प्रोडक्ट को लो तो ये बेटर रिजल्ट देगा, ये बेटर है हमारे प्रोडक्ट। एंड सेल्समैनशिप क्या करता है, उसकी यूटिलिटी होती है, वो इंक्रीज, उसको इंक्रीज करते रहना चाहिए डे बाय डे, इंक्रीजिंग डे बाय डे। एंड द सेल्समैन जो है आज के टाइम में क्या होता है, सेल्समैन क्या करता है, जाके बढ़िया वर्बली क्या करता है, लोगों को ऐसे इंप्रेस कर लेता है कि हमारे हमारा प्रोडक्ट ही बेटर प्रोडक्ट है। उसके बाद सेल्समैनशिप की अलग अलग डेफिनेशन आई थी, जैसे अकॉर्डिंग टू मिस्टर गारफेल्ड ब्लेक, अकॉर्डिंग टू मिस्टर उन्होंने डेफिनेशन दी कि सेल्समैनशिप क्या होती है, सेल्समैनशिप कंसिस्ट ऑफ विनिंग द बायर्स हार्ट, बायर्स कॉन्फिडेंस फॉर द सेलर हाउस एंड गुड्स, for the seller house and goods, thereby winning regular and permanent customer. क्या करता है वो, buyer के heart को जीतना and increase करना, उनके winning जो regular customers हैं उनके heart को जीतना, that is the salesmanship. उसके बाद Russell and Mr. Beach ने दी थी कि salesman क्या होता है, ability to handle the people, कि लोगों को handle करना कि एक योग्यता जो होती है, that is the salesmanship. एंड नेक्स्ट आता है कि टू अटेम्प्ट एंड इंड्यूस द पीपल टू बाय द गुड्स, लोगों को ऐसे बताना कि हमारा प्रोडक्ट ही बेटर प्रोडक्ट है। देन उसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं सेल्समैनशिप के, अब देखो सेल्समैन जो होता है वो मीडियम, मतलब मीडियम होता है, बीच का जो पर्सन है दैट इज द सेल्समैन। वो क्या करता है, उसका अगर वो बढ़िया रिजल्ट देगा, बढ़िया प्रोडक्ट बेच रहा है, तो उसका जो उसका प्रॉफिट है वो बिजनेसमैन को भी जाएगा, एंड उसी का प्रॉफिट कस्टमर को भी जाएगा, क्योंकि कस्टमर को अगर वो अच्छा रिजल्ट, अच्छा प्रोडक्ट बेच रहा है तो कस्टमर भी सेटिस्फाई हो जाएंगे, एंड उसको खुद को भी मिल रहा है, क्योंकि अगर वो बेचेगा तो वो तो उसका वर्क है, खुद का अगर वो बढ़िया रिजल्ट देगा, बढ़िया सेल्स ज़्यादा कर रहा है तो उसको बोनस भी मिलेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है एडवांटेज ऑफ प्रोड्यूसर्स, जो प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस कर रहे हैं प्रोडक्ट को, उनको क्या एडवांटेजेस हो रहा है। तो सेल्समैनशिप क्या करती है, हेल्प्स करती है प्रोड्यूसर को, कैसे कैसे इन वो क्या करती है, उनके प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बेचने में हेल्प करेगा, तो उनका जो अमाउंट है, जो उनका सेल्स है वो ज़्यादा बढ़ जाएंगी एंड उनका प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। वो क्या सेकंड क्या होता है कि वो प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकता है, अगर उसका प्रोडक्ट बढ़िया बिक रहा है तो वो अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देगा, एंड अगर सेल्स और प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहे हैं तो उसको प्रॉफिट इंक्रीज होगा, कैपेसिटी ऑफ द इंडस्ट्री इंक्रीज होगी, उसको बढ़ाने की मतलब प्रोडक्ट बनाने की कैपेसिटी इंक्रीज होगी, गुडविल ऑफ द फर्म को इंक्रीज करेगा, आल्सो प्रमोट कर रहा है गुडविल ऑफ द फर्म। ये तो था, ये सारे एडवांटेजेस थे जो प्रोड्यूसर्स के थ्रू थे। देन आता है कंज्यूमर्स को क्या क्या एडवांटेजेस हो रहे हैं, अगर सेल्समैन बढ़िया है, उसने बड़ी क्या कर सकता है, कस्टमर को सेटिस्फाई कर रहा है प्रोडक्ट को, तो जो कंज्यूमर्स हैं वो भी क्या करेंगे, सेटिस्फाई हो जाएंगे। उसका फर्ज बनता है कि वो चीट ना करे अपने कस्टमर्स को, डुप्लीकेट गुड्स ना सप्लाई करे, मतलब जैसे कोई अच्छा रिजल्ट दे रहा है प्रोडक्ट, बट उसका डुप्लीकेट फर्स्ट कॉपी अगर हम बेच रहे हैं तो वो क्या है, कस्टमर को चीट करने वाली बात है, तो कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा। थर्ड क्या होता है, कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में कंप्लीट जानकारी देना, वो भी क्या है, कस्टमर के लिए बेनिफिट्स है, जो क्या करता है अगर कस्टमर को उसके बारे में सब कुछ बता दिया जाए तो कस्टमर उसको खरीदने के लिए राजी हो जाएगा। देन आता है अगर सच्ची में उसको अच्छा रिजल्ट, सच्ची में उसको कस्टमर्स को क्या मिल रहा है, बढ़िया रिजल्ट मिल रहा है, बढ़िया गुड्स हैं, मॉडरेट प्राइस है ड्यू टू सेल्समैनशिप, तो क्या होता है उसका बढ़िया वो खरीद सकते हैं। देन सेल्समैन को क्या, सेल्समैनशिप से सेल्समैन को क्या एडवांटेजेस होते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीकों से सेल्समैन को एडवांटेजेस मिलते हैं, जैसे उसकी इनकम बढ़िया हो जाती है, फैबुलस इनकम, फैबुलस इनकम मतलब उसने बेचा प्रोडक्ट तो उसको जो जो जितनी ज़्यादा वो सेल्स करेगा उतनी ज़्यादा क्या होगा उसका प्रोडक्ट, जितना ज़्यादा प्रोडक्ट बिकेगा उतना ज़्यादा उसका बोनस इंक्रीज होता रहेगा, तो उसके से उसकी इनकम भी इंक्रीज हो जाएगी।
नेक्स्ट आ जाता है अपॉर्चुनिटी ऑफ लर्निंग। अपॉर्चुनिटी ऑफ लर्निंग का मतलब क्या होता है कि उसको एक्सपीरियंस होगा बिजनेस के बारे में, मेथड के बारे में प्रैक्टिस होती रहेगी, तो ये क्या होता है उसको एक्सपीरियंस हो जाएगा लर्निंग का, एंड अपॉर्चुनिटी मिलती है सेल्समैनशिप से उसके लर्न करने की। अपॉर्चुनिटी टू रिलैक्स एंड एंजॉय, जैसे सेल्समैन क्या होते हैं उनको कन्वेंस करने के लिए बाहर भेज देते हैं, तो बाहर क्या होता है टूर भी हो जाता है एंड कन्वेंसिंग भी हो जाती है, तो उससे उसको रिलैक्स मोड में भी आ सकता है सेल्समैन एंड एंजॉय भी हो सकता है। तो सेल्समैन को भी एडवांटेजेस है, प्रोड्यूसर्स को भी एडवांटेजेस है, एंड कंज्यूमर्स को भी एडवांटेजेस है सेल्समैनशिप से। सो गुड सेल्समैनशिप जो है यूजफुल है आर प्रोड्यूसर्स के लिए, कंज्यूमर्स के लिए, द स्टेट एंड द सेल्समैन ऑल्सो। सो दीज आर द सेल्स प्रमोशन एंड हमने क्या पढ़ा सेल्समैनशिप के बारे में। सो सेल प्रमोशन एंड सेल्समैनशिप। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेलिंग प्रोसेस। सेलिंग प्रोसेस क्या होता है, बेचने की प्रोसेस क्या होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है स्टेप्स इन सेलिंग प्रोसेस। सेलिंग प्रोसेस के अंदर सबसे पहले आता है प्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टस जो क्या होता है प्रोस्पेक्टेशन जो होती है दैट इज प्रोस्पेक्टिंग। देन आता है प्री अप्रोच, बाद हमारे पास आता है अप्रोच। पहले प्री अप्रोच देन अप्रोच। अप्रोच जैसे हमने पहले क्या किया प्रोस्पेक्टस तैयार किया, देन प्री अप्रोच तैयार किया, फिर अप्रोच तैयार की, अप्रोच बनाया, फिर उसके बाद प्रेजेंटेशन दी उस चीज के लिए, फिर ओवरकमिंग क्लोज एंड फॉलो प्रेजेंटेशन, ओवरकमिंग फॉलो एंड क्लोज। तो ये क्या है अलग अलग सेलिंग प्रोसेस है जो हम क्या कर सकते हैं अपने सेल्स के दौरान यूज कर सकते हैं। तो इन सेलिंग प्रोसेस के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।